पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए इसमें लिखते हैं, यदि यदि भूतकाल में यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त पूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा ठीक ना। जैसे में देखेंगे हम यानी कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा ठीक ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इस वाक्य है वो क्या हो रहा है, ये भूतकाल में दो कार्य हुए हैं यानी
रोगी का मरना और डॉक्टर का आना, ठीक ना। तो रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ है, अतः इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ है, अतः इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इसका क्या होगा, दी पेशेंट, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर कैम, ठीक ना। कैम यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर कैम, ठीक ना। तो इस वाक्य में जो हैड डाइड है, ठीक ना, हैड डाइड है, ये क्या है, परफेक्ट टेंस है, ठीक ना। और केम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त किया है। अब देखेंगे हम इसका वाक्य की बनावट देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, वाक्य की बनावट, की वाक्य की कैसे बनावट होती है, वाक्य की बनावट, वाक्य की बनावट। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेड लगता है, सब्जेक्ट के बाद हेड लगता है और उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, आर टी आई सी आई पी एल ई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वी थ्री, इस प्रकार वाक्य की बनावट होती है, बनावट होती है, ठीक ना। और देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट एस यू बी जे ई सी टी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड अब प्लस वी थ्री, ठीक ना। पहले अगर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उस सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद हम वी थ्री का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब देखेंगे हम, ठीक ना, जैसे हम देखते हैं, आपको देते हैं, जैसे मैंने दिया आपको एक आई इट, जैसे जैसे एग्जांपल आई इट, ठीक ना। इसे हम कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, पर लगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैड हैड, उसके बाद हम प्लस, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी इट का इटेड इटेड, ठीक ना, इट का इटेड। तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री, ठीक ना। इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। चलिए एक दो और देख लीजिए, जैसे आपको हो जाएगा वी
गो, ठीक ना। इट एट, ठीक ना। इसे हम क्या करेंगे, वी हैड, गो का क्या हो जाएगा, गन। और इट हैड इटन, ठीक ना। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि, यानी इससे लिखेंगे, इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य, व्यापार भूतकाल भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा, जैसे, यानी क्या कह रहा है कि इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य या व्यापार भूतकाल में लगातार समय तक जारी रहा है। यानी जैसे में हो जाएगा, मैं खेल रहा था, खेल मैं खेलता रहा था, मैं खेलता रहा था, ठीक ना। मैं क्या कर रहा था, मैं खेलता रहा था, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग, यानी अब देखेंगे दूसरा, वह सुबह से सो रही थी, वह सुबह से सो रही थी। ठीक ना। इसका क्या होगा, सी हैड बीन स्लीपिंग, सी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक ना, सिंस मॉर्निंग, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, इस पहले स्पष्ट रूप से दिया गया है वाक्य में प्रयुक्त जो भी हैड बीन प्लेइंग और हैड बीन स्लीपिंग, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक ना। अब हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक ना, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक ना। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाक्य की बनावट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड,
प्लस बीन, प्लस भी वर्ब में आईएनजी, ठीक ना, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। किस चीज का प्रयोग करेंगे वर्ब में? वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और यही अगर मॉर्निंग हो गया तो हम क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम एक दो देखते हैं, ठीक ना, एग्जांपल में एक दो लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, करते हैं। जैसे हो जाएगा आई इट, आई इट, ठीक ना, आई इट। सेकेंड नंबर आई लिव हर फॉर टू ईयर, ठीक ना। आई प्ले, आई प्ले, ठीक ना। तब हम इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट आई फिर हैड प्लस बीन प्लस भर में आई एन जी। इट का क्या हो जाएगा? ईटिंग, ठीक ना। ऐसे क्या करें? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन भर में आई एन जी, एल आई वी आई एन जी, लिविंग हर फॉर टू ईयर्स, ठीक ना। अब देखिए ये क्या है, आई प्ले है, ये क्या है? आई प्ले, ये हो जाएगा आई फिर हैड फिर बीन फिर प्लेइंग प्लेइंग। इसी तरह एक और है, दे वर्क, दे वर्क, दे हैड बीन, दे हैड बीन वर्किंग, ठीक ना, दे हैड बीन वर्किंग।